हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम मदर्स डे से रिलेटेड एक बहुत ही सिंपल सा एंड क्यूट सा केक का डिज़ाइन देखने वाले हैं। सो ये चॉकलेट स्पॉन्ज मैंने 300 ग्राम चॉकलेट प्रीमिक्स लेके यहाँ पे बेक कर लिया है और नॉर्मली इस केक के मैं 3 इक्वल लेयर्स कर रही हूँ। अगर आप मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हो तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम हर स्पॉन्ज का 3 इक्वल लेयर्स में लेयरिंग करते हैं। सो फर्स्ट लेयर यहाँ मैंने बोर्ड पे रख दिया है और उसे प्लेन वाटर से सोक कर रही हूँ। देन यहाँ मैंने अप्लाई किया है क्रीम। सो क्रीम को बीट करने के बाद उस क्रीम के अंदर मैंने 3 से 4 चम्मच गनाज डाल दिया था। डार्क चॉकलेट कंपाउंड को डबल बॉयलर प्रोसेस से मेल्ट कर लेना है और फिर 3 से 4 चम्मच हमें व्हाइट क्रीम के अंदर मिक्स कर लेना है। सो हमारे क्रीम को एक बहुत ही अच्छा सा चॉकलेट का टेस्ट आ जाता है। सो सेम प्रोसेस करते हुए मैं तीनों लेयर्स हमारी केक की सेट कर रही हूँ। आप आपके हिसाब से कोई भी फ्लेवर यहाँ बना सकते हो। चॉकलेट के साथ आप ब्लैक फॉरेस्ट केक, चॉकलेट ट्रफल केक या फिर डच चॉकलेट केक यहाँ बना सकते हो। सो आज जो मैं केक बना रही हूँ इसे हम डच चॉकलेट फ्लेवर का नाम भी दे सकते हैं। सो यहाँ मेरी लेयरिंग कंप्लीट होने के बाद अभी मैं केक को कर रही हूँ क्रम कोट। सो क्रम कोट करना हर केक के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि इससे हमारे केक के क्रम्स अच्छे से सेट हो जाते हैं और हमारे केक की फाइनल आइसिंग बहुत ही अच्छी लगती है। सो 15 मिनट फ्रिज में सेट होने के बाद यहाँ मैंने डार्क चॉकलेट कंपाउंड को डबल बॉयलर की हेल्प से मेल्ट कर लिया है और अभी मैंने इसके अंदर डाला है 2 चम्मच न्यूट्रल जेल। न्यूट्रल जेल डालने से हमारे गनाश को एक अलग सी शाइन आ जाती है और जो मेरा कस्टमर था उनको क्रीम बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने मुझे बोला था कि क्रम कोट तक ही क्रीम को यूज़ करना, क्रम कोट तक भी क्रीम को बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ करना जितना आपसे हो सके और देन उसके बाद केक के ऊपर डायरेक्टली आप गनाश अप्लाई कर देना। सो यहाँ कस्टमर की डिमांड के हिसाब से मैंने क्रम कोट करने के बाद डायरेक्टली केक के ऊपर गनाश डाल दिया था। सो फ्रेंड्स, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि आप ऑलवेज पूरा केक कंप्लीट होने के बाद ही उसके ऊपर गनाश डालो, कस्टमर के हिसाब से भी हमें कभी कभी वर्क करना पड़ता है। सो इसलिए मैंने क्रम कोट होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ गनाश अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा ये केक अनइवन लग रहा था टेक्सचर के अकॉर्डिंग। सो आजकल अनइवन केक डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। सो गनाश अप्लाई करने के बाद जो उसका अनइवन लुक आ रहा था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो ये केक बनाने के पहले मैंने कुछ चॉकलेट गार्निशिंग की प्रैक्टिस की थी। सो उस प्रैक्टिस में कुछ गार्निश मेरी अच्छी बनी थी, कुछ ख़राब बन गई थी। सो उसी गार्निशिंग का यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ केक के टॉप के ऊपर, आप देख सकते हो। और फिर जो मेरा क्रीम बचा था उससे मैंने स्टार नोज़ल यूज़ करके एक केक के ऊपर अच्छे से बॉर्डर बना ली है। फिर मैंने केक को 10 से 15 मिनट फ्रिज में सेट कर लिया था। आप देख सकते हो मेरा चॉकलेट प्रॉपरली सेट हो चुका है और अब उसके ऊपर मैं लिख रही हूँ हैप्पी मदर्स डे। सो ये वाला केक आप आपकी मदर के लिए बना के उन्हें इस मदर्स डे पर सरप्राइज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ मेरे केक का 80% वर्क कम्प्लीट हो चुका है और अब यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ गोल्डन डस्ट क्योंकि केक थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं आ रहा था उसका डिज़ाइन। सो इसलिए मैंने जो गार्निश लगाई थी केक के ऊपर उसके ऊपर ब्रश की हेल्प से गोल्डन डस्ट मैंने अप्लाई कर लिया है और फिर साइड में जो अनइवन लुक आ रहा था उसके ऊपर मैंने गोल्डन स्प्रे स्प्रिंकल कर लिया है। आप देख सकते हो अनइवन इफेक्ट के ऊपर जब हम गोल्डन स्प्रे यूज़ करते हैं तो उसका लुक बहुत ही ज़्यादा ऑसम आता है। सो ये वाला केक का डिज़ाइन गोल्डन स्प्रिंकल के वजह से बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा था। देन मेरे कस्टमर का डिमांड था, उनको चाहिए थे 3 कपकेक, उसके ऊपर भी लिखा हुआ चाहिए था मॉम। सो यहाँ मैंने नॉर्मली चॉकलेट प्रीमिक्स से 3 कपकेक रेडी कर लिए हैं और इसको मैंने सेंटर में कट करके कोई भी फिलिंग नहीं की है क्योंकि उनकी कोई डिमांड थी नहीं, उन्हें नॉर्मली कपकेक चाहिए था। और तीनों कपकेक के ऊपर मैंने लिख दिया था लेटर MOM मॉम। एंड इस केक का प्राइस आप 700 रुपीज़ से 800 रुपीज़ तक इजीली रख सकते हो आपके एरिया के अकॉर्डिंग। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना, आपके सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो मिलती हूँ मैं जल्दी आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक।